प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई थी उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की, और ये सरकार किसने बनाई थी? लोगों ने बनाई थी। क्यों बनाई थी? कि ऐसी सरकार आएगी, प्रचंड बहुमत होगी, डबल इंजन होगा और हमारे सारे ट्रबल्स खत्म हो जाएंगे। परंतु जिस प्रकार उत्तराखंड की जनता आज त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है, ये दुखद विषय है। आज जिस विषय पे बात कर रही हूं वो उपनल कर्मियों के बारे में। उपनल कर्मी कल यानी कि 25 मार्च को सीएम आवास कूच करेंगे और घेराव करेंगे। और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी जो मांगे हैं उनके बारे में वार्ता करने को ये सरकार तैयार ही नहीं है। सरकार बनाई जाती है इसलिए क्योंकि लोगों को आप पर भरोसा होता है। चुनाव के पहले आप भीख मांगते हैं वोट के लिए, आप कहते हैं, घर घर जाते हैं और बताते हैं कि आप उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे, और चुनाव जीत जाने के बाद उत्तराखंड की जनता को मिलता क्या है? उत्तराखंड की जनता को सरकार ऐसी मिलती है जो सुनने की तो बात ही दूर की है, डंडे भांजती है, लाठियां भांजती है, वाटर कैनन चलाती है, और जो आंदोलन कर्मी होते हैं उन्हें शहर के कोने में जाकर फेंक देते हैं राजधानी के, ताकि उनकी आवाज आप तक ना पहुंच सके। ऐसी सरकार क्या चुनी थी? उपनल कर्मी क्या मांग कर रहे हैं? वो केवल समान काम का समान वेतन मांग रहे हैं, जिसके बारे में माननीय उच्च न्यायालय से आदेश आ चुका है, जिसके विरुद्ध आपने SLP दाखिल करी सुप्रीम कोर्ट में, मगर सुनवाई नहीं करवा पा रहे, और आपसे यही तो मांग हो रही है कि उसको आप पीछे ले लीजिए। इसमें क्या दिक्कत है? लोगों से बातचीत करने में आखिर दिक्कत क्या हो सकती है, ये तो समझाए ये सरकार। देखिए आज धरना स्थल की तस्वीरें। दिन्दा, 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 दिन्दा,